ये सर पूछ रहे हैं कि सर टियट में सबसे पहला कौन सा पेपर होता है, इसका सिलेबस और पैटर्न कहाँ से मिल सकता है, आप प्लीज़ टेट पर एक वीडियो बना दो। सिंपल है, मेरे ख्याल में जो वीडियो पीछे चल रहे हैं उस पर ये डिस्कस ऑलरेडी किया गया है। तो आपने पीएस टेट, ये टीईटी दो तरह का, ये हम जानते हैं कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पंजाब स्टेट का है, ओके, दूसरा हो गया सेंटर का, ओके। अगर आपने सीबीएसई के स्कूल्स में लगना है टीचर, तो आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। अगर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्कूल्स में लगना है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्कूल्स में लगना है, तो पीएस टेट क्लियर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब इसमें भी है, गवर्नमेंट जॉब जो है पंजाब के दायरे में जो है, और ये केंद्रीय विद्यालय केवी, नवोदय विद्यालय, और भी जेडे जैसे प्राइवेट भी सीबीएसई के स्कूल हैं उसमें भी लगने के लिए। तो यहाँ पर मैं पंजाब स्टेट का सिर्फ जो डिस्कस कर रहा हूँ सिलेबस, कारण क्या है कि थोड़ी वेरिएशन है, लेकिन फर्स्ट पेपर का सिलेबस लगभग सेम है। ये जो सिलेबस है इसलिए वेरिएशन है क्योंकि इस साल पंजाब में सब्जेक्ट वाइज डिवीजन कर दी गई है जो सी टेट में नहीं की गई। फॉर एग्जांपल सी टेट में ये दो मैथ साइंस एक स्ट्रीम रखी गई है और सोशल स्टडीज एक स्ट्रीम रखी गई है, आपको इनमें से एक चूज करनी पड़ती है, बाकी पेपर आपके सेम होते हैं। ये किसके लिए? पेपर टू के लिए, बीएड वालों के लिए, या कह सकते हैं पेपर टू के लिए, जो सिक्स्थ से लेके टेंथ तक के टीचर ने एलिजिबल बनना है। जहाँ हाँ, प्लस वन टू के लिए अलग अभी तक टेट जरूरत नहीं है, ये भी एक बात है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको कर देगी। तो सिलेबस आपने देखना है पहला। यहाँ पर अगर देखना चाहते हो कि पेपर वन एंड टू, पेपर वन है फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक, फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के टीचर लगना है, जो ईटीटी वाले, जिनको डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। मैथ्स एंड साइंस और सोशल साइंस सिर्फ पेपर टू का है, हम पेपर टू का समझने लगे हैं इस वीडियो में सिर्फ। सिलेबस फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, एक जो 60 क्वेश्चन है वो डिफरेंट हो गए, बाकी सब कुछ सेम होगा आपका। इसमें फिजिकल एजुकेशन वालों का 60 क्वेश्चन डिफरेंट हो गए, और होम साइंस के ऐसे डिफरेंट हो गए, म्यूजिक के, संस्कृत के, उर्दू के। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो सभी का कॉमन है, पेपर टू वालों का सभी का कॉमन है, यहाँ क्लिक करेंगे और ये समझेंगे कि पेपर वन का ये नहीं अभी समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट से फिफ्थ तक के लिए 30 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ये अलग से समझेंगे। पहले समझ लेते हैं पेपर टू का, इसे एलिमेंट्री स्टेज बोला गया है, सिक्स्थ से लेके एट्थ तक, ओके। लेकिन 10वीं तक के लिए ये रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। फर्स्ट पेपर का नाम जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। तो बच्चा जो है ये डेवलप कैसे होता है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल थ्योरीज हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, मॉरल डेवलपमेंट की, फिजिकल डेवलपमेंट की, इमोशनल डेवलपमेंट की, ना वो बातें इसमें करेंगे। तो इसका सिलेबस क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल, चाइल्ड कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ये बहुत ही वास्ट है, देखने में इतना सा है लेकिन बहुत वास्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसमें चार कंसेप्ट आप हमें समझने पड़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एक हो गया, नंबर दो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग हो गया, तीसरा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन हो गया, एम डाल देता हूँ मैच्योरेशन, और चौथा ग्रोथ हो, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड मैच्योरेशन, इन सभी में डिफरेंस कंसेप्ट पहले समझेंगे और डिफरेंस भी समझेंगे। अच्छा, फिर जो प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के बच्चा जो है उसका पहले हेड डेवलप होता है, इसको कंट्रोल करता है, फिर डाउनवर्ड डाउनवर्ड इसको सेफेलो कॉडल, ऐसे कई प्रिंसिपल्स हैं, इंटीग्रेटेड है, एक डायमेंशन का दूसरी डायमेंशन से। फॉर एग्जांपल डायमेंशन कौन सी है ये हम समझेंगे, कॉग्निटिव डायमेंशन है थिंकिंग दिमाग वाली, और अफेक्टिव डायमेंशन है इसे कहते हैं, कह सकते हैं है दिल वाली, यहाँ दिल पर बन गया, ये बन गया आपका दिमाग, ओके। कोनेटिव
जहाँ फिजिकल है ना, इसको फिजिकल मोटर कह सकते हैं, एम भी लिख दिया मोटर भी, मॉरल है। तो ये प्रिंसिपल है, इंटेग्रेशन क्या करेगा, जहाँ इंटर रिलेशनशिप के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो चेंज आता है वो अफेक्टिव को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्टिव जो चेंज आता है फिजिकल का, फिजिकल का जो है अफेक्टिव को, एक दूसरे को प्रभाव, ऐसे प्रिंसिपल हैं, ऐसे हम लर्न करेंगे। ये जो प्रिंसिपल हैं इन पर क्वेश्चन, जैसे एक दो क्वेश्चन ऐसे एक इनमें से पूछे ही जाते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी क्या है कि जीन्स, ये मम्मी हो गए, ये पापा हो गए, है ना, तो कंसेप्शन जब हम ऐसे बिंदु जैसे हैं, अभी अभी इतने सेल जितने हैं, तो सेल जितने हैं, क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, वो जीन्स मिलके हमारे ट्रेट्स डिसाइड करते हैं, कैसे थ्योरीज हैं हेरिडिटी की, ट्रेट कैसे डिसाइड होते हैं, है ना, तो उसमें हेरिडिटी कैसे हमारी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, बेसिकली ये वर्ड आता है जीन्स, जीन्स कैसे इफेक्ट करते हैं, है ना, जो इमीडिएट पेरेंट्स हैं वो न्यू बॉर्न बच्चे को है जो ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा है कि कंसेप्शन के बाद जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं बाहर, है ना, बेशक आवाज़ सुनाई देती है, बेशक खाना खाते हैं, बेशक सोशल इंटरेक्शन करते हैं, किसी को देखते, सारा एनवायरनमेंट है डेथ तक, तो ये है जीन्स एंड एनवायरनमेंट, इसको नेचर NATURE नेचर हेरिडिटी को, और एनवायरनमेंट को नर्चर नर्चर भी बोलते हैं। तो ये डिबेट है कि ज़्यादा डोमिनेट डेवलपमेंट नेचर करती है या नर्चर करता है, हेरिडिटी करती है या एनवायरनमेंट करता है। तो ये इनके टोटल जो फैक्टर हैं ये कैसे इंटरेक्ट कैसे करते हैं ये समझेंगे हम। सोशलाइजेशन प्रोसेस है, ये एनवायरनमेंट का ही सारा असर है सोशलाइज के, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस है, सोशल रूल्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, तो उनको फॉलो करना हम कैसे सीखते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल घर में कोई आता है, हमें नमस्ते बोलनी है, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बोलनी है, टीचर को बोलनी है, टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, हमने कपड़े कैसे डालने हैं, कब डालने हैं, ये सारा लंबी प्रोसेस है जो जन्म से ही शुरू हो जाती है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन में, सोशल वर्ल्ड में कौन कौन भूमिका निभाता है, टीचर कैसे निभाता है, पेरेंट्स कैसे निभाते हैं, पीयर्स ग्रुप, है ना, जिनको एज मेट भी बोल सकते हैं, एज मेट भी बोल सकते हैं। तो किस स्टेज में कौन ज़्यादा कैसे भूमिका निभाता है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, ना, इन्फेंसी स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। अब मोस्ट चैलेंजिंग जो है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना ही चाहिए। अब ये शब्द आपके लिए नए होंगे, प्याजे क्या है। प्याजे स्विट्जरलैंड के एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट पर अगर आप कभी भी बात करोगे तो प्याजे के बिना शुरू नहीं होगी। और प्याजे का, प्याजे क्या समझना चाहते थे कि बच्चे के अंदर नॉलेज कैसे घुस जाती है। तो नॉलेज का संबंध किस डोमेन से है, कॉग्निटिव डोमेन से, के कॉग्निटिव डोमेन, इट मींस के कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की कैसे होती है। प्याजे के खुद पहले जो बेबी होया हुआ उनको उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए, उसके साथ इंटरव्यू करते रहते थे, तो ऐसे 11-12 साल तक उसको ऑब्जर्व किया, और दूसरा बच्चा जैसे 2-3 साल बाद आ उसको ऑब्जर्व किया, तीसरे को ऑब्जर्व किया, वो जो ऑब्जर्व इतने 15-16 साल किया, उस पर जो एक्सपेरिमेंट किए, उसको प्याजे ने 4 स्टेजेस में ऐसे डिवाइड कर दिया, और स्टेजेस क्यों कहा कि एक डिवीज़न जो है यहाँ पर जो बच्चा करता है नेक्स्ट स्टेज में इसको छोड़ देता है, इसको छोड़ देता है, इस पर जो करता है वो छोड़ के आगे जाता है, 4 डिवीज़न है, तो वो कुछ नहीं है। या ऑपरेशंस शब्द उन्होंने यूज़ किया है, ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब थिंक, लॉजिकल थिंकिंग, यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग यहाँ हो जाती है, करेक्ट होनी शुरू हो जाती है, यहाँ पर एरर होती है बहुत ज़्यादा, और यहाँ सिर्फ एक्शन से बाहर वाली नॉलेज को गेन करता था, यही क्वेश्चन था ना, नॉलेज को कैसे गेन करते हैं, तो यहाँ एक्शन, एरर, लॉजिकल थिंकिंग, और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट, बिना कंक्रीट के ही हम जैसे सिंबल्स में बातें कर रहे हैं, लैंग्वेज है, मैथ्स है, ये सारा सिम्बॉलिक है, तो यहाँ सिम्बल से ही वो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू
कर सकता है, लेकिन ये उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि फोर्थ स्टेज में जो 12 साल का बच्चा है वो इस स्टेज को पार कर लेगा। हमारे कई इंडियन हैं, इसी पर रिसर्च मेरी चल भी रही है, वो आपको साइड बाय साइड साथ में वो वीडियो जो प्याजे ने जो किया था वो साथ में कर रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में कर सका हूँ, आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात थी जिसमें प्याजे का पहला रोल है। दूसरा रोल उसमें है वाइगोस्की का, ये थे रशियन साइकोलॉजिस्ट, जल्दी इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इन्होंने सोशल रोल को के कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोसाइटी का रोल है इसको इग्नोर किया, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन इनकी थ्योरी का नाम ही सोशियो है ना कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सोशल कल्चरल एंड लैंग्वेज तीन एस्पेक्ट को इन्होंने कॉग्निशन के डेवलपमेंट में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और आज कोऑपरेटिव लर्निंग जैसे पीयर ट्यूटरिंग जैसे जो मेथड जो है ग्रुप बेस्ड लर्निंग जो है वो वाइगोस्की की थ्योरी पर बेस्ड हैं। सो वो इन्होंने जो इन्होंने कंसेप्ट वो दिए प्याजे ने जो कंसेप्ट एंड एक्सपेरिमेंट किए वो हमें समझने पड़ेंगे। क्रिटिकल परस्पेक्टिव इनके मतलब इनकी थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या था, इनका क्रिटिसिज्म क्या था, और ये दोनों कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फंडामेंटल थ्योरीज हैं। इसके बाद भी थ्योरीज हैं लेकिन हम वहीं अटके हुए हैं, पोस्ट पियाजेशियन रिसर्च है ना, वाइगोस्की के बाद की रिसर्च है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना है। दूसरी एक थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, मॉरल डेवलपमेंट क्या है, वैसे तो है क्या है कि गुड और बैड में बच्चा डिफरेंस कैसे, गुड एंड बैड के में डिफरेंस कैसे समझता है, लेकिन कोहलबर्ग ने इसकी जो डेफिनेशन है वो दी है जस्टिस, जस्टिस बच्चा जस्टिस कैसे सोच पाता है, इसके लिए क्रिटिकल एक सिचुएशन देते हैं कोहलबर्ग, वो सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट सारे किए हुए हैं कि एक सिचुएशन आपको भी वो सिचुएशन दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हैंज एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ को कैंसर है और उसकी वाइफ अब डेथ के नज़दीक है, तो उसे पता चलता है कि इसी शहर में एक ड्रगिस्ट है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी लगाकर पैसे लगाकर एक ड्रग बनाई है जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है और उसकी वाइफ बच सकती है। वो उसके पास जाता है कि कैंसर की मेडिसिन मांगता है, तो वो ड्रगिस्ट कहता है कि मैंने मतलब बहुत सारा पैसा खर्च किया है, तो अपने पैसे दो, मान लो जी 1 करोड़ है ना, 16 करोड़ वैसे उस की अभी जो है, क्योंकि मेरे प्रोफेसर लखबीर सर थे वो सभी सच में हैं कि उनके कैंसर के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए चाहिए थे, लेकिन यहाँ बात नहीं करूँगा। तो वो ड्रगिस्ट के पास आता, वो कहता मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी वाइफ मर रही है, इंसान मर रहा है, तो ऐसे वार्तालाप उसमें होते हैं, तो वो ड्रगिस्ट मेडिसिन उसको नहीं देता। क्वेश्चन ये है कि उसको निराश वापस आना पड़ता है, तो आते हुए वो सोचता है क्यों ना आज रात को वो ड्रग मैं उसके घर से चोरी कर लूँ। तो कोहलबर्ग ये सिचुएशन देके पूछता है कि क्या उसको चोरी कर लेनी चाहिए, अगर कर लेनी चाहिए तो क्यों कर लेनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। ये जो उत्तर हैं कि क्यों नहीं करनी चाहिए, ये उत्तर को उसने जो 72 बॉयज थे, इनकी लिमिटेशन क्या है, गर्ल्स पर अप्लाई नहीं किया, गिलिगन इनकी स्टूडेंट्स थी उन्होंने गर्ल्स पर की, तो और इस बार उस पर क्वेश्चन भी आया था ना, 72 शिकागो के बॉयज पर ये इंटरव्यू की, और कुछ कुछ सालों बाद लगातार उनको जैसे 10-12-15 साल के स्टूडेंट्स थे और उनको 20 साल तक इंटरव्यू करते रहे, तो उन्होंने देखा कि पहले बच्चा उसका आंसर क्या देता है, कैसे वो सोचता है, दूसरी स्टेज में कैसे सोचता है, फिर कैसे सोचता है, कैसे सोचता है, ऐसे उसने 6 जब प्याजे ने 4 स्टेजेस थी, इन्होंने 6 स्टेज बना दी, और 6 स्टेज को 3 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो हम सारा जीवन जो मॉरल हैं, इन्हीं 6 जो डिवीज़न है, स्टेजेस हैं, इन्हीं में सोचते हैं। तो मैंने भी नई कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए नई सिचुएशन देके, वो आपसे शेयर करूंगा, वीडियो भी भेजूंगा, इंटरव्यू भी भेजूंगा, आपने ये बताना है कि वो किस स्टेज में सोच रहे हैं, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आसान बहुत हो जाता है, सिक्स्थ स्टेज में कोई ही नहीं सोचता, कोई हमारे पास राम
कृष्ण, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध नहीं बचे हैं, तो सिक्स स्टेज वाले उनको बच्चे मिले ही नहीं। दैट इज वाई सिक्स वाला क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता कि यूनिवर्सल सर्वत्र का भला, ऐसे लोग होते हैं। तो ये पांच स्टेज हैं, इनमें कन्फ्यूजन बड़ी होती है, लेकिन हम लर्न करेंगे कि कैसे हम करते हैं। हो सकता है मैं इंटरव्यू लूँ, आपको एक एक वीडियो भेजूँ, आप खुद भी एवेल्युएट करना। बड़ी सिंपल वीडियो होगी, आपसे भी वो क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो आपने कहना मैं एक एक दो दो मिनट की वीडियो भेजूंगा, तो आप उसका उत्तर देना, ठीक है। तो ऐसे कोलबर्ग की सिक्स स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट करेंगे। कंसेप्ट ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एक बात वेरी क्लियरली समझ लेना, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो जॉन डेवी से शुरू हुई थी अमेरिका में, उन्होंने पहला लेबोरेटरी स्कूल जो स्थापित किया था, काफी संघर्ष करना पड़ा। तो ये जो ट्रांसमिशन वाला सिस्टम हमारे चल रहा है, इसको समझाने लगा हूँ। और अगर ये बात समझ आ गई प्रोग्रेसिव एजुकेशन फंडामेंटली, मैंने एक लॉन्ग लिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें ही वर्ल्ड में कोई भी आप क्वेश्चन पूछो, आज जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट ऑप्शन होगा वो उसमें से ही होगा। वो भी शेयर कर लेंगे, वो भी हो सकता है, वो कुछ नहीं है, उसमें काफ़ी सारे वर्ड आ चुके हैं टैग वर्ड वाली वीडियो में। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है कि जो बच्चा है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा था उसमें क्या है, आज भी वही इंडिया में चल रहा है, मतलब कहीं भी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है नहीं है। ये तो वेरी, ये टीचर हैं, टीचर के सामने ये बच्चे बैठे हैं, ओके, बच्चे बैठे हैं, और नॉर्मली क्या है कि जहाँ ये ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, जहाँ LCD प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, LCD लिख दिया, ये चार्ट यूज़ कर सकते हैं, और ये अपना फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ये फिल्म दिखा सकते हैं, तो ये बोल सकते हैं बेटे ऐसे 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 करना है, है ना, ये मीनिंग कविता का करवा सकते हैं। ये सारी प्रोसेस में क्या है, वन वे प्रोसेस। इस सारी प्रोसेस में क्या है, द लर्नर्स आर पैसिव, है ना, वो सिर्फ सुन रहे हैं, एक्टिव नहीं है। जो टीचर थोड़ी क्वेश्चनिंग कर लेता है, वहाँ थोड़ी क्वेश्चनिंग हो सकती है, क्या उस टॉपिक में बच्चे का इंटरेस्ट है। तो ये इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इज ए वन वे प्रोसेस, जिसको लेक्चर मेथड से आप कंपेयर करके जल्दी समझ सकते हो। तो हम क्यों क्लास से भागते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन है, मुझे पता नहीं इंटरेस्ट है कि नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती बैठना पड़ रहा है, नेचुरली मैं ज़बरदस्ती इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, जहाँ कोई रिवार्ड मिलेगा, है ना, जहाँ मैं पास हो जाऊँगा। ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाहर है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट तो है ही नहीं, सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो है बाहर है, मेरे अंदर नहीं है, रीज़न जो है बाहर है, मेरे अंदर नहीं है। तो ये ट्रांसमिशन है। इसके बिल्कुल विरुद्ध में एक अप्रोच आई, जिसने ये कहा कि बच्चे को चॉइस दो, चॉइस, बच्चे को एक्टिविटी दो, क्लासरूम में पैसिव ना, है ना, अब जो एक्टिविटी है उसमें चूज करेगा नेचुरली, जिसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है उसको बच्चा चूज करेगा, जिसमें इंटरेस्ट है बच्चा उसको चूज करेगा। तो एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गई, ये मोटिवेशन हो गई। अब तो मोटिवेशन है तो वो एक्टिवली क्या करेगा, ये हो गया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थिंक करेगा, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और इसमें क्या होगा, रियल लर्निंग होगी, है ना, ये क्वालिटेटिव होगा सारा काम, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज या प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं, और जॉन डीवी ने रियल किचन्स बनाए, रियल कारपेंटर का छोटे छोटे ऐसा स्कूल बनाया जहां एक्शन होगा, ये एक्टिविटीज ही होंगी, एक्शन ही होगा, है ना, वो पहले एक्शन करेंगे, उनको काम नहीं समझ आएगा तो वो अपनी अपनी थ्योरी बनाएंगे, अपनी अपनी नॉलेज बनाएंगे, अपनी अपनी डिस्कवरी से अपने अपने, है ना, जब उनको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती वो लाइब्रेरी में जा सकते हैं, बुक्स के पास जा सकते हैं, टीचर के पास जाते हैं, लेकिन काम करना है, प्रोजेक्ट पूरा करना है। यहाँ पर बच्चे ऐसे बैठे हैं, ऐसे बुत बन के, है ना, यहाँ बुत नहीं, एक्टिव है। आपको आगे क्या हुआ, जॉन डेवी भी वैसे सोशल जो थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ऐसे ही वैगोस्त की थे। तो इसमें जो रेवोल्यूशन जो आया वो क्या था कि ये जो बच्चों को एक्टिविटी दी गई, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया कि छोटे छोटे ग्रुप्स में आप काम कीजिए, ये ग्रुप एक है। तो ग्रुप में वैगोस्त की ने देखा कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, हेल्प, दिस इज ए रेवोल्यूशनरी, है ना, जिसको कोऑपरेटिव,
है ना, लर्निंग कहते हैं। तो ग्रुप लर्निंग, ग्रुप बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे को साथ लेके सीखना है, करना है, चलना है स्मॉल ग्रुप में, तो ये रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, ये बेस्ट आंसर होता है। तो ऐसी कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस की जाएंगी चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कंसेप्ट में, क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस है क्या, जनरल फैक्टर है क्या, जो बच्चा एक तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है बहुत अच्छी तरह से, फॉर एग्जांपल मैथ में, तो क्या वो लैंग्वेज की भी कर लेगा, सोशल साइंस की भी कर लेगा, बाकी एरियाज़ में, प्लेज में भी अच्छा होगा, ग्राउंड में भी अच्छा होगा। तो जी फैक्टर है क्या, सब एबिलिटी डिफरेंट हैं क्या, एबिलिटीज़ का ग्रुप है क्या, स्पेसिफिक एबिलिटी का ग्रुप है, जनरल एबिलिटीज़ का ग्रुप है। तो न्यू थ्योरीज जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, गार्डनर की जो मोस्ट अप्रूव्ड थ्योरी है, वो इन सभी थ्योरी पिछली का क्रिटिसिज्म करके मोस्ट अप्रूव्ड है कि हर बच्चे में अपनी पोटेंशियल होती है, ये 9 इंटेलिजेंस है, उनमें से किसी ना किसी एक में बच्चा, हर बच्चा अच्छा हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करके आप उसको जो है डेवलप कीजिए। तो ऐसी ये कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस कैसे डेवलप हुआ, सभी थ्योरीज तो थोड़ी थोड़ी हमें पढ़नी पड़ेंगी, कम से कम 8-10 थ्योरीज हैं इसमें, तो उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए होगी। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस वो कुछ नहीं है, इसके बाद की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना गार्डनर की, वो वाली हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस को ऐसे इमेज के जरिए पिज्जा ऐसे कहते हैं, पिज्जा, पिज्जे को 8 डिवाइड किया है, लेकिन अब 9th इंटेलिजेंस एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी ऐड हो चुकी है। तो वो नाम क्या है, जैसे कोई बच्चा म्यूजिक में बहुत आगे है, म्यूजिक को जल्दी समझता है, डिटेल में बाद में करेंगे, सिर्फ नाम उसको म्यूजिक स्मार्ट कह दिया, जो अपनी बॉडी की मूवमेंट को अच्छा समझता है बॉडी स्मार्ट कह दिया, पीपल स्मार्ट कह दिया, जो एक दूसरे की फीलिंग को अच्छी तरह समझता है वर्ड स्मार्ट कर दिया, जो लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में इफेक्टिव है, लॉजिक स्मार्ट कह दिया जिसे मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, नेचर स्मार्ट है जो नेचर को अच्छी तरह से समझता है, केयर करता है, सेल्फ स्मार्ट है जो अपने आप को सबसे अच्छी तरह से समझता है, पिक्चर स्मार्ट है। तो ये 8 इंटेलिजेंस प्लस एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ये 8 इसमें कौन कौन से प्रोफेशन बेटर हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ये लर्न करेंगे हम यहाँ पर वापस। इंडिविजुअल जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, क्या जेंडर जन्म से होता है या सोसाइटी बनाती है, सोसाइटी बनाती है। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मीन यहाँ पर आप कंसेप्ट समझिए कि एक सेक्स है, एक जेंडर है, सेक्स है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं बच्चे के, तो यहाँ पर है कि बच्चा पहनता क्या है, लाइक क्या करता है, उसके जो फीचर है सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर ज़्यादा फीमेल वाला है, मेल वाला है या मिक्स वाला है। तो जेंडर, हम लड़कियां क्यों साड़ी पहनती, हम क्यों नहीं पहनते, हम कांटों में या कानों में, यहाँ पर आप देखिए पहरावा डिफरेंट है, बोलना डिफरेंट है, काम डिफरेंट है, ये डिफरेंट किसने बनाए सारा कुछ। किचन में क्यों लड़कियों को आज भी ज़्यादा भेजा जाता है ना, बेशक हाँ मैं कर लेता हूँ सारा काम किचन का, लेकिन क्यों ऐसा जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहते हैं, इसका पर्पस समझिए क्या है, जेंडर न्यूट्रल के हम बायस होके ना चले, ये देखिए जेंडर बायसनेस को ख़त्म करना है, उसके लिए आपको समझाना चाहते हैं वो, और नेचुरली क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, जो जेंडर बायसनेस के नहीं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रिजिड जनरलाइजेशन है कि जी जो पिंक सूट पिंक कलर है वो लड़कियों के लिए, ब्लू कलर जो है वो बॉयज़ के लिए है, किचन का काम लड़कियों के लिए है, नर्सिंग जो है लड़कियों के लिए है, प्राइमरी टीचर लड़कियों के लिए है, मैथ्स में अच्छे बॉयज होते हैं, ये सारी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, बायसनेस है, बायसनेस नहीं स्टीरियोटाइपिंग, के हम सोसाइटी ने मिलके कंक्लूजन गलत निकाले हुए हैं, लड़कियां भी उतना अच्छा कर सकती हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी और एनवायरनमेंट मिलेगा, ये आपको टीच करना चाहते हैं। तो ये जेंडर रोल है, रोल की भी बात अब हो गई है, तो ये ईजीएस्ट पास्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्स लैंग्वेज कास्ट जेंडर कम्युनिटी रिलीजन, इसके बेस पर हमारे जो जेंडर डिफरेंस है, क्योंकि हम इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना चाहते हैं, ऑल इज़ वेल जैसे कहा था, ऑल आर वेलकम ऐसे आमिर खान साहब ने कहा था ना, तो जहाँ पर सभी का स्वागत हो, सभी को अच्छा फील हो, सभी को
अपनापन फील हो, उनके लिए डिफरेंसेस को समझना होगा। डिफरेंसेस को समझ के बाकी रिलीजन की, कम्युनिटी की, जेंडर की, कास्ट की, सभी की रिस्पेक्ट करनी है, एज ए ह्यूमन चलना है। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये अभी से ही ईजी है। फॉर लर्निंग का एक नुक्ता बता देता हूँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी इसको बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन कुछ फॉर्म करना है, अभी फॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए कुछ भी परमानेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, बच्चे को मैथ का सम दिया है और उससे पूछ रहे हैं, बेटा कोई गलती हुई, खुद ढूंढो, चलो मैं ढूंढता हूँ, चलो तुम्हारा साथी ढूंढता है, तो अभी ढूंढ रहे हैं, गलती हो गई कोई बात नहीं, उसको सुधारने का मौका है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट रोज होगी, कंटिन्यूस होगी, है ना। तो दूसरे तरफ है सम्मेटिव असेसमेंट, जो जिसमें आपको डिग्री मिल जाती है, जैसे सीटेट का एग्जाम है, आपका एंट्रेंस एग्जाम बीएड का है, आपके फाइनल एग्जाम, आपके टेंथ के एग्जाम, जिसमें मार्क्स आ गए पक्के, बस रिवैल्यूएशन कोई कोई भरता है, हो सकता है, लेकिन नहीं, वो उसको क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना, ये सम्मेटिव असेसमेंट इसको बोलते हैं। इसके अलावा स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन। कॉम्प्रीहेंसिव मीन कॉग्निटिव, मॉरल, इमोशनल, है ना, फिजिकल, सभी एस्पेक्ट को बीच में शामिल कर लेना, इतनी बात है। फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर, फॉर एनहांसिंग लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लासरूम एंड असेसिंग लर्नर अचीवमेंट। कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, सिर्फ है कि आपको क्वेश्चन बनाने आते हैं, आएंगे क्वेश्चन पर, असेसमेंट कैसे करनी है नॉर्मली करके असेसमेंट की बात कर रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे। हमने मरना वहीं जाके आके हैं, एमसीक्यू उसका एक आंसर दे दो, जहाँ ऐसे टाइप क्वेश्चन, बात पीछे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की करेंगे, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, जिसमें कोई मार्किंग सिस्टम, जिसमें स्कोर नहीं होता, लेकिन सब कुछ स्कोर नहीं आके, अब आपका सी टेट है, सिलेक्शन टेस्ट है, है ना, ये सारा कुछ क्या होगा, फिर ऑब्जेक्टिव होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज प्रोग्रेसिव एजुकेशन ऐसे टेस्ट को डिनाई करती है। जो बिहेवियरिज्म है उसकी, उसको भी समझेंगे। कॉग्निटिविज्म है, वो कहता है, है ना, तो हम कहते कुछ हैं, अप्लाई कुछ करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग को समझने के लिए, क्रिटिकल अचीवमेंट बच्चे की को समझने के लिए, आप बेटर क्वेश्चन बना पाते हो कि नहीं, वो क्वेश्चन पर क्वेश्चन आएंगे। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स है जैसे ईशान तारे ज़मीं पर। अच्छा, याद रखना कि फिल्म में सिर्फ तारा नहीं था, तारे ज़मीं पर है फिल्म का नाम। इट मीन्स कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, शुरू कहाँ से होती है फिल्म, कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। तो ईशान के पास पेंटिंग थी, लेकिन उसका दोस्त जो फिजिकली हैंडीकैप था, वो कॉग्निटिवली आगे था, टॉप करता था। जो छोटे छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं, जो जिस मेंटली चैलेंज स्कूल में जहाँ काम करते हैं, वो भी स्पेशल चिल्ड्रन हैं। तो ये नेगेटिवली या पॉजिटिव दोनों तरफ डिविएटेड हो सकते हैं नॉर्मल चिल्ड्रन से। फॉर एग्जाम्पल, गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, क्रिएटिव चिल्ड्रन है, है ना, तो ये पॉजिटिवली डिवेटेड है। और दूसरी तरफ है डिसलेक्सिक है, जैसे ईशान है, फिजिकली हैंडीकैप, मोटर डिजीज़ हैं। अब तो 16-21 जो है दे दिए हैं इन्होंने, जो नया एक्ट 2016 में पास हुआ है ना, तो वो सारे ही बच्चे जो हैं उससे पीड़ित हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम से, है ना, बाय बर्थ हो सकती है, एक्सीडेंशियल हो सकती है, आँखों की प्रॉब्लम, सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे बच्चे चैलेंज हैं, इनको शामिल कैसे करना है, ये बड़ा चैलेंज है टीचर के लिए, छोटा सा पार्ट है। तो ये होंगे एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड सेक्शन। तो आपको पता है, अभी भी एक लड़की का बीएड में एक फ़ोन आया, सर मेरे ना मेरे गवर्नमेंट कॉलेज मुझे सीट मिल सकती है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरी हेल्प कर दोगे भी मेरे सीट लेने में, पैसे की नहीं हेल्प, उन्होंने बोला। मैं क्या, हाँ ये जरूर करेंगे, आपके नंबर कितने, कहते 69। हाय, मैं क्या, मैंने तो तैयारी की थी, आपने क्यों नहीं पढ़ा, मैंने थोड़ा सा डांटा, तो मैंने पूरी टॉर्च ही बनाई कि मैंने पढ़ाया, आप क्यों नहीं पढ़े, है ना। तो कहती सर घर में फ़ोन नहीं है, तो मतलब तीन फोन ऐसे आए पंजाब में हैं, घर में फ़ोन नहीं है, तो ये डिप्राइव्ड सेक्शन है यार, वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, मींस ही नहीं है, तो वो तैयारी करना चाहते थे, तो ये जस्टिस थोड़ी है, ये कहाँ का जस्टिस है। तो इसे वर्ड यूज़ अब किया जा रहा है, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल देखिए कितनी जो डिवीज़न हो चुकी है, अब एक सेक्शन डिजिटल डिवाइड,
डिजिटल डिवाइड मीन कि इंडिया का लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन अभी भी ऐसा है जिसके पास मोबाइल या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप ऑनलाइन की बात करते हो, यूट्यूब पर मैं बम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो बच्चे के पास है ही कुछ नहीं। तो मतलब ये दुख की बात है। हाँ, चंद्रयान तो पहुंच गया, यहाँ पहुंचना था, मैं बच्चे का क्या करूं, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे लाखों हजारों करोड़ों हैं जिन जो पढ़ना चाहते हैं, मोटिवेशन है, लेकिन डिजिटल डिवाइस नहीं है और डिवाइड पड़ चुका हो चुका है। एक के पास तीन तीन मोबाइल हैं, घर में सब कुछ है, दूसरे के पास कुछ नहीं है। तो चंद्रयान अगर ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं मेरा बात महान बार बार कहूँगा। हाँ, अब भी कह रहा हूँ, अब थोड़ा पता नहीं लहजा थोड़ा बदल जाता है। अच्छा, एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, है ना, इम्पेयरमेंट्स, विजुअल इम्पेयरमेंट्स, जो ये सारी हैं बातें हो चुकी हैं। ऐसे टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर, वो भी आ गए। और ये है लर्निंग एंड पैडागोजी, ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपके हिंदी के हो, समाज इसके पंजाबी के हो, इंग्लिश के, किसी भी भाषा के हो, मैथ्स के हो, सोशल साइंस के हो, ये स्ट्रेटजी उस सभी पेपर पर अप्लाई होनी है। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे सोचते कैसे हैं भाई, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव द सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, है ना, यू फैक्टर बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इसका रिलेशन समझेंगे, लर्निंग थ्योरी समझेंगे, चिल्ड्रन्स स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, बच्चे बड़ी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जैसे मैं चलो अभी नहीं बताऊंगा, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, चाइल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्वर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो हमें पता ही नहीं है, हर बच्चा साइंटिस्ट है, जॉन डेवी सॉरी प्याजे ने कहा, लिटिल साइंटिस्ट उसने कहा, है ना, छोटे छोटे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना, हम लेकिन किताबों में घुसेड़ देते हैं। तो अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग, अल्टरनेटिव कंसेप्शन उसे बोलते हैं जो हम एरर जिसको कहते हैं, बच्चा एरर कर रहा है, मिसकंसेप्शन भी इसको बोलते हैं, है ना। तो लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म का ये पार्ट है अल्टरनेटिव कंसेप्शन, डरना नहीं है। मतलब अल्टरनेटिव कंसेप्शन पर एक वीडियो बनाई थी, आपसे शेयर करूंगा, फंडामेंटल आपको समझ आ जाएंगे, वो उसके बाद भी बनाऊंगा, लेकिन वही नहीं आप अभी तक उसको समझिए, पहले वो एग्जांपल देके बनाई गई होगी। तो मिसकंसेप्शन है, तो ये मिसकंसेप्शन या अल्टरनेटिव कंसेप्शन जो है, इसको एरर को पॉजिटिव समझना है, ये फंडामेंटल रूल। एरर कभी भी गलत नहीं है, एरर की रेपिटेशन गलत हो सकती है। लर्नर कर रहा है तो हमने टीचर बीइंग ए टीचर उसको डायग्नोस करना है, आइडेंटिफाई करना है, लेकिन एरर जब हम कर लेते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, दोबारा नहीं उससे बेटर बनते, तो एरर ने आपको सिखा दिया, एरर बेस है। यहां पर भी एरर के बेस पर बच्चा टीचर लेसन प्लान करे, वो कंसेप्ट जो बच्चे के गलत बने हुए हैं माइंड में, अल्टरनेटिव कंसेप्ट क्या है, है ना, तो वो उसको बेस लेके लेसन प्लान ऐसा करे कि उसकी जो एरर है वो करेक्ट हो जाए, और करनी वो बच्चे ने लेकिन सोचना खुद है। एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन अ लर्निंग प्रोसेस, कॉग्निशन एंड इमोशन, ये कुछ नहीं है, ये हो गया दिमाग, क्या है? दिमाग और दिल इकट्ठे काम करते हैं, इमोशन ये हो गया दिल, है ना, दिल क्या करे जब किसी को। अच्छा, जो दिमाग है, तो और ये क्या मतलब, इसको प्रभावित करता है या ये इसको प्रभावित, ये मिलके चलते हैं जहाँ अलग अलग चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका अलग से वीडियो है, दिल और दिमाग पर, जो प्यार करते हो आप, है ना, हाँ, उनके लिए अलग से वीडियो आएगा। ये सिलेबस यहाँ ख़त्म होता है, ये पहला था, CDP से बोलते हैं, और इसकी एप्लीकेशन सभी आगे वाले क्वेश्चन पर होगी, जो सेक्शन पर होगी, लैंग्वेज हो, क्योंकि लैंग्वेज में पैडागोजी होगी, लैंग्वेज टू में पैडागोजी होगी, यही एप्लीकेशन होगी, यही थ्योरी अप्लाई होनी है, और SST में होगी, मैथ्स में होगी, फिजिकल एजुकेशन में, म्यूजिक में, उर्दू में, संस्कृत में, सभी जो हैं, होम साइंस में अप्लाई होगी, और लास्ट वाले जो हैं उसमें भी अप्लाई होगी। तो दैट इज़ वाई दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इसके बाद पूछता हूँ, ओके, अलग से आंसर देना आप। अब ये प्यार वाली बातें भी थोड़ी थोड़ी करेंगे। बाय।